हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अपना टीचर डॉट कॉम दिस इज़ मुर्तजा हैदर यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर थ्री के एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री के क्वेश्चन कर रहे थे तो so, कुछ और क्वेश्चन हैं यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए और एक और बात बताऊँ कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊँगा दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री बस मुझे आपको इतने ही क्वेश्चन करवाने हैं ओके okay? तो so, चलें अब हम इन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं तो so, सवाल अगेन आपके पास सेम है प्रूव दैट और यहां पे मैंने आपके बुक के दो पार्ट्स लिए हैं विच इज पार्ट नंबर एंड पार्ट नंबर एट ओके तो चले अब हम इन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्ट नंबर फोर ले रहा हूं ओके okay? तो पार्ट नंबर फोर के सल्यूशन में डेफिनेटली मुझे कोई वन साइड ऑफ द इक्वेशन लेनी है तो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ले रहा हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ़ द इक्वेशन आपके पास क्या लिखा हुआ है टू प्लस ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ओके अच्छा अब हमने करना क्या होता है कि प्रूव दैट के क्वेश्चन में जो चीज़ मुझे लेकर आनी है उसको मैं लाजमी जो है वो देखता है और लाजमी हमें देखना पड़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मुझे लेकर आनी है वो है थ्री अपॉन टू प्लस ओमेगा और आपके पास यहाँ पे मौजूद है टू प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका मतलब यह है कि इसको ये बनाने के लिए लाजमी तौर पे यह जो इसका डिनोमिनेटर है इससे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा इसका मतलब यह है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा इस एक्सप्रेशन को इसको देखते हुए टू प्लस उमेगा से ठीक है टू प्लस उमेगा जो कि इसका डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू प्लस उमेगा ओके अच्छा जी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ये टू प्लस उमेगा इस्वायर आपके पास एज इट इज मौजूद है इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे सॉरी यहाँ पे सिर्फ ओमेगा है टू प्लस उमेगा से तो ये हो जाएगा टू प्लस उमेगा से मल्टीप्लाई और टू प्लस उमेगा से डिवाइड ओके अच्छा यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स लगा दूँ तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ऊपर में ही दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले आप टू को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी टू टू के साथ मल्टीप्लाई होगा देन टू ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा देन ओमेगा स्क्वायर टू के साथ मल्टीप्लाई होगा देन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास टू टू ज फोर प्लस टू को ओमेगा से करेंगे टू ओमेगा प्लस आप ओमेगा स्क्वायर को टू से करेंगे तो ये बन जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब ओके और अपॉन में आपके पास है टू प्लस ओमेगा ओके okay, अब जो चीज़ मुझे लेकर आनी है उसका डिनोमिनेटर तो आपके पास आ गया है इट मीन्स कि आपने न्यूमरेटर को किसी तरह से सिम्प्लीफाई करके थ्री बनाना है किस तरीके से थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई कर लेते हैं फोर एज ए मौजूद है इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे आप इन दोनों में टू कॉमन ले सकते हैं अब इन दोनों में टू कॉमन ले लें ब्रैकेट में बचेगा उमेगा प्लस उमेगा स्क्वायर और उमेगा क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं वन ओके okay, मैं बता चुका हूँ कि ओमेगा क्यूब वन के इक्वल है इन दोनों में से आपने टू कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज मौजूद है टू प्लस ओमेगा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव प्लस टू एज इट इज और मैं आपको बता चुका हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है और ये कहाँ से आए हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ओके तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस वन और डिवाइड में आपके पास टू प्लस ओमेगा एज इट इज़ मौजूद है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव एज इट इज़ मौजूद टू को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू अपॉन में टू प्लस ओमेगा एज इट इज़ मौजूद फाइनली फाइव में से टू माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा थ्री और ये रहा अपॉन में टू प्लस ओमेगा एज इट इज़ इस तरीके से आप इसको प्रूव कर लेंगे ओके okay. तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट फोर को सॉल्व कर लिया है बस अब एक आखिरी पार्ट रह गया है कुछ इज़ पार्ट नंबर एट इसके बाद एकज़ कंप्लीट हो जाएगी तो चले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले तो चलें अब हम अपने आखिरी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो आखिरी पार्ट को सॉल्व uh, करने के लिए पहले हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं सो so, सल्यूशन में पार्ट नंबर एट के सल्यूशन में आपने अगेन क्या करना है पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेनी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास सेवन प्लस ओमेगा सेवन प्लस ओमेगा और ये रहा आपके पास सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओके तो यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास है सेवन प्लस ओमेगा और सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने क्या करना है किसी तरह इसको सॉल्व करके हमें फोर्टी थ्री बनाना है ओके okay? तो उसके लिए हमने करना क्या होगा आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो बड़ा आसान सा काम होता है कि यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करें देन सेवन को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा को देन सेवन से मल्टीप्लाई करें और देन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से तो होगा क्या सेवन को जब आप सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन सेवन या फोर्टी नाइन सेवन को ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे ये बन जाएगा सेवन ओमेगा स्क्वायर देन ओमेगा को सेवन के साथ करेंगे ये बन जाएगा सेवन ओमेगा और ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब ओके अच्छा अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है फोर्टी नाइन इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्लस इन दोनों में यानी सेवन ओमेगा स्क्वायर और ये आपके पास सेवन लिखा हुआ है सेवन ओमेगा में से आप सेवन कॉमन ले सकते हैं तो जब मैं सेवन कॉमन लूँगा ब्रैकेट में क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं वन ओके और आपने क्या करना होगा कि जो जो वैल्यूज आप रिप्लेस कर रहे हैं लाजमी आप, आप कॉर्नर के ऊपर इसका रीज़न ज़रूर दें ओके तो मेगा क्यूब इक्वल्स टू वन आपको उन्हें में रीज़न दे दिएगा अच्छा अब हमने क्या करना है आपके पास ब्रैकेट में आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन हमने यहाँ पे क्या करना होगा इसकी जगह माइनस वन लिखना है बिकॉज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अच्छा इनको मैं ऐड कर सकता हूँ फोर्टी नाइन प्लस वन इज फिफ्टी प्लस सेवन एज एर उमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं माइनस वन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो फिफ्टी एज एरिस प्लस सेवन जब माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का सेवन देन फिफ्टी माइनस सेवन इज फोर्टी थ्री यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करके लेकर आनी थी तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर लेंगे तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री को कंप्लीट कर लिया है होपफुली आपने एक्सरसाइज को समझा होगा इस एक्सरसाइज uh, के अंदर हमने क्यूब रूट्स को पढ़ा देन क्यूब रूट्स ऑफ़ यूनिटी को पढ़ा तो चलें अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं टिल देन, अल्लाह हाफिज़